हेलो एवरीवन, ओकुल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू ओकुल। लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं 11वें दिन के साथ इंडियन पॉलिटी पार्ट 6 में। कोर्स को एनरोल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके कोर्स को एनरोल कर लीजिए, और वीडियो डिस्कशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं आज के दिन के वो 5 क्वेश्चंस क्या थे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू मेक फाइनल डिसीजन ऑन केसेस अराइजिंग अंडर द 10th शेड्यूल। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 10th शेड्यूल क्या है। दिस 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है या फिर ये एंटी डिफेक्शन से डील करता है। अभी एंटी डिफेक्शन क्या होता है, देखिए मैं पहले आपको यह चीज समझाता हूं। सपोज करिए किसी पार्टी का कोई सदस्य है और अगर वो अपनी इच्छा से अपनी विल से वो पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहता है वॉलंटरली, ठीक है, या फिर उसको किसी पार्टी से जिस पार्टी में अभी वो है उससे निष्कासित किया जाता है, उससे निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स कि उसने जो व्हिप होता है उसको फॉलो नहीं किया और जो व्हिप का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट जाके उसने वोटिंग की। ठीक है, तो उस केस में, उन दोनों ही केस में, अगर वो एक सिंगल पर्सन या कुछ नंबर ऑफ पर्संस अगर पार्टी को छोड़ते हैं या पार्टी से निकाले जाते हैं तो वो होता है डिफेक्शन। ठीक है, उसको बोला जाता है डिफेक्शन, और जो 10th शेड्यूल है वो इसी डिफेक्शन से डील करता है। तो किसके पास पावर होती है कि वो इन डिफेक्शन का जो केस बनता है उसको लेकर फाइनल डिसीजन ले? चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट या गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका जो सबसे सही आंसर है या जो इसका सिर्फ एक ही आंसर है वो है चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस, यानी कि राज्यसभा के केस में वो होंगे चेयरमैन और स्पीकर होंगे वो लोकसभा के केस में। ठीक है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आइए जल्दी से डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन से ये डील करता है 10th शेड्यूल, और ये क्या होता है एंटी डिफेक्शन ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, द 10th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 में, उसके बाद ये जो 10th शेड्यूल है इसको इंसर्ट किया गया, यानी कि ये पहले से मौजूद नहीं था। ठीक, इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, यही मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से पार्टी से निकाले जाने पर या वो खुद अपनी इच्छा से अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो किस तरीके से डिफेक्शन का केस बनता है। ठीक है, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन अ पेटिशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ सच हाउस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। ध्यान रखिएगा, एंड द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, यानी कि राज्यों में भी ये नियम लागू होता है और केंद्र में भी ये नियम जो है वो लागू होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर, यानी कि एक सदस्य अगर छोड़ के जाता है या कुछ नंबर अगर छोड़ के जाते हैं तो उन पर ये लागू होता है, लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 मेंबर्स अगर पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होते हैं तो उस केस में ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है, वो लागू नहीं होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आज के दिन का था वो ये था, विद रेफरेंस टू इलेक्शन मैनिफेस्टो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। इट शेल नॉट कंटेन एनीथिंग रिपग्नेंट टू दी आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिपग्नेंट का मतलब होता है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल यानी कि जो संविधान में आइडियल्स और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनसे अनएक्सेप्टेबल, यानी कि उनके खिलाफ या उनको ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होनी चाहिए जिनसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आइडियल्स और प्रिंसिपल्स जो है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, इट शैल नॉट कंटेन प्रॉमिस ऑफ सच वेलफेयर मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उसमें कुछ भी ऐसे वादे, ऐसे प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए जो कि संविधान के नीति के दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दिए गए हैं। ठीक है,
तीसरा स्टेटमेंट है कि दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक चुनावी घोषणा पत्र है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, अगर कोई पार्टी जीतने के बाद अगर उस पर अमल नहीं करती है, उस पर दी गई बातों को लागू नहीं करती है, तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब होता है नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो स्टेटमेंट इनमें से सही है वो है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री। ठीक है, वन सही है और थ्री सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है कि इसमें ये जो प्रोमिसेस हैं जो इसके खिलाफ है, आइडल्स एंड प्रिंसिपल्स या उनके अनएक्सेप्टेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहां पर डेटा पॉइंट्स में कि द इलेक्शन मैनिफेस्टो शैल नॉट कंटेन एनीथिंग रिपग्नेंट टू द आइडियाज आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्दर दैट इट शैल बी कंसिस्टेंट विद द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द अदर प्रोविजंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। आचार संहिता उसी दिन से लग जाती है, चाहे वो राज्यों की बात हो या फिर वो केंद्र की बात हो, जिस दिन से चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। तो उसके बाद जो पार्टियां होती हैं वो अपना चुनावी घोषणा पत्र या इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो बातें भी नहीं की जानी चाहिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन करती हो या आचार संहिता का उल्लंघन करती हो। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होते हैं कि वो लोगों के भले के लिए होते हैं। ठीक है, देखिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइन अपॉन द स्टेट टू फ्रेम वेरियस वेलफेयर मेजर्स फॉर द सिटीजन्स एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू द प्रॉमिस ऑफ सच वेलफेयर मेजर्स इन इलेक्शन मैनिफेस्टोस। ठीक है, वो लोगों के भले के लिए होती है जो नीति के दिशा निर्देश होते हैं, तो उनको लेकर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस पर जो भी चीजें लिखी गई हैं डीपीएसपीज में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में उनका प्रॉमिस आप यहां पर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, इसलिए वो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, और इलेक्शन मैनिफेस्टोज या चुनावी घोषणा पत्र जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। अगर मैंने बताया कि अगर कोई पार्टी जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अगर उनमें दिए गए वादों को पूरा नहीं करती है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए वादों को पूरा नहीं करती है, तो आप उसको लेकर कोर्ट में सवाल खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरीके का केस चला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बात लोगों को और पार्टीज को ध्यान दिलाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन क्या था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एब्सेंटी वोटर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार इनमें से कौन सा एक एब्सेंटी वोटर होता है? ठीक है, समवन हु इज एम्प्लॉयड इन असेंशियल सर्विसेज। ठीक, सेकंड है एन इल वोटर हु कैन नॉट बी प्रेजेंट इन पोलिंग बूथ। तीसरा है ऑल वोटर्स हु डू नॉट वोट इन जनरल इलेक्शन। फोर्थ इज मिनिस्टर्स एमपीज एंड एमएलएस। तो जो इसका सही जवाब है कि एब्सेंटी वोटर जो होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो होता है ए, समवन हु इज एम्प्लॉयड इन द असेंशियल सर्विसेज। ठीक है, आइए जल्दी से डेटा पॉइंट्स देखते हैं। एन एब्सेंटी वोटर इज समवन हु इज एम्प्लॉयड इन असेंशियल सर्विसेज। द इलेक्शन कमीशन विल नोटिफाई विच जॉब्स एंड प्रोफेशंस आर कवर्ड अंडर द असेंशियल सर्विसेज आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट से राय मशवरा करके, कंसल्ट करके ये बताएगा चुनाव आयोग कि कौन सी जॉब्स या प्रोफेशंस ऐसे हैं जो असेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं, और जो भी लोग वो उन जॉब्स या प्रोफेशंस में होंगे उनको बोला जाता है एब्सेंटी वोटर। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एब्सेंटी वोटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड डिफाइंड फॉर द इलेक्शंस। इस कंसेप्ट को चुनाव के लिए ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, और पीपल अंडर द न्यू कैटेगरी यानी कि ये जो एब्सेंटी वोटर की कैटेगरी है वो क्या, वो किस तरीके से अपना चुनाव दे सकते हैं? दे कैन चूज टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। वो पोस्टल बैलेट से अपना मत दे सकते हैं बाय फिलिंग अप फॉर्म 12D एंड सबमिटिंग इट टू द नोडल ऑफिसर विद इन 5 days ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन। यानी कि जब से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से 5 दिन के अंदर वो अपना फॉर्म 12D भर के पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो एब्सेंटी वोटर के केस में
और भी कैटेगरी है उसमें, एक तो ये एसेंशियल सर्विसेज वाली है, दूसरा ये है कि जो ऐसे बुजुर्ग हैं 80 साल से ऊपर वाले वो भी आते हैं, और जो पर्सन्स विद मार्क्ड डिसेबिलिटी हैं वो भी एब्सेंटी वोटर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो पीछे चार ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से केवल यही एक ऑप्शन ऐसा है जिस पर कैटेगरी में एसेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले नहीं है, 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी जो हैं वो भी एब्सेंटी वोटर की कैटेगरी में आ सकते हैं, और जो लोग विद मार्क्ड डिसेबिलिटी हैं वो भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्या था। विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है लाभ के पद, ठीक है। इसको लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे से समझिएगा इस वर्ड को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड, यानी कि उसको डिफाइन किया गया है, उसकी एक परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। दूसरा है, इफ एन एमएलए और एन एमपी होल्ड्स अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड रिसीव्स बेनिफिट्स फ्रॉम इट, देन दैट ऑफिस इज टर्म्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि कोई भी विधायक या कोई भी एमपी जो है वो अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट अगर वो होल्ड करता है और अगर वहां से वो कुछ लाभ ले रहा है, कुछ फायदे ले रहा है, तो उस पोस्ट को या उस ऑफिस को बोला जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है, अ पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि उस पर्सन को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसके पास कोई भी ऐसा पद, वो किसी भी ऐसे पद पर वो है, ठीक है। जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है, पहला जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए डेटा पॉइंट्स में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड, मैं यही बोल रहा था कि डिफाइन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये टर्म जो है, अगर आप आर्टिकल 1021 के सेक्शन ए में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर यह चीज टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है कि विच बार्स अ मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस दैट वुड गिव इट्स ऑक्यूपेंट द अपॉर्चुनिटी टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेज और बेनिफिट। वहां पर दिया गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की, ठीक है, इजाजत नहीं है जिसके पास कोई भी लाभ का पद है। लेकिन लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है वो संविधान में कहीं पर भी लिखी नहीं गई है, ठीक है। If an MLA or an MP holds government office and receives benefits from it, then that office is termed as an office of profit. ठीक है? और तीसरा है, a person will be disqualified if he holds an office of profit under the central or state government. लेकिन अगर कुछ ऐसे ऑफिस हैं जिसके लेकर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ऐसा लॉ पास हो चुका है, कोई कानून ऐसा बन चुका है कि इन ऑफिसेस को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में नहीं है, तो वो पर्सन फिर उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर क्वेश्चन में यह लिखा आता है कि सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कुछ ऐसा लॉ पास कर देती है कि कुछ ऑफिसेस को इस श्रेणी से बाहर रखा जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है, तो कोई भी पर्सन अगर उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो, या उस गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करता है, उस गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करता है विद इन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो फिर चुनाव लड़ सकता है, उसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के दिन का क्या था। विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट्स रूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति शासन, पिछले वीडियो में भी हमने इस पे एक क्वेश्चन देखा था इससे रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर्स द सेंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए दोनों ही सदनों की सेंक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, दोनों ही सदनों में सेंक्शन होना जरूरी है। अगला है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल मे बी रिवोक्ड बाय द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट रूल को हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल से रिमूव या रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तीसरा है, अपॉन द इंपोजिशन ऑफ दिस रूल देयर वुड बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट है, इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है तीनों, ये तीनों जो है वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, अपॉन द इंपोजिशन ऑफ दिस रूल, यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, देयर वुड बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस समय नहीं हो सकता है। विधानसभा जो है वो या तो भंग हो जाएगी या फिर वो प्रोरोग रहेगी, यानी कि वो सस्पेंडेड रहेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है सस्पेंडेड।
तो या तो वो भंग कर दी जाएगी या फिर सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन उस समय कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्टेट में कैसे काम होगा? द स्टेट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नर विल कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, यानी कि गवर्नर बने रहेंगे और गवर्नर जो है सारे का सारा जो काम होता है, जैसे पहले आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अंडर में सारा का सारा काम होता है किसी भी राज्य का, ठीक है, तो मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है नहीं, तो सारा का सारा जो काम है वो गवर्नर के अंडर में होगा, जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स है वो गवर्नर के अंडर में होंगी और गवर्नर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अगला है द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर द सेंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दोनों ही सदनों की सैंक्शन होना, रजामंदी होना जरूरी है। ठीक है, और अगर इसको लगा दिया जाता है तो इसको 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर दोनों ही हाउसेज में अप्रूवल मिल चुका है तो इसको 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन इसको 3 साल से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यानी कि एक बार आपने लगाया 6 महीने के लिए, फिर आप उसको 6 महीने के लिए और बढ़ाएंगे, फिर 6 महीने के लिए और बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ा सकते हैं, ऐसे करते करते आप उसको मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ आप उसको 6 महीने के लिए ही एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हर 6 महीने के बाद क्या करना होगा कि हाउस के दोनों सदनों का, दोनों जो पार्लियामेंट है उसके दोनों के दोनों हाउसेस का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और फिर आप उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के 6-6 महीने करके भी आप उसको 3 साल से ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये जो चीजें हैं या जो प्रेसिडेंट रूल है ये स्टेट में किस आर्टिकल में दिया गया है, किस तरीके से लगता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अगर ये आपको पता है तो प्लीज इसको भी आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस जो आज के क्विज में आप लोगों ने अटेम्प्ट करे। अगर फिर भी अभी तक आप लोग कोर्स एनरोल नहीं कर पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज जाके कोर्स एनरोल कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चीजें बताई गई आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि ये चीजें एग्जाम में काम आएंगी, ये कंसेप्ट्स, ये डेटा पॉइंट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे किसी भी तरीके से, तो प्लीज आप हमें इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ। कोई भी कमेंट्स कोई भी फीडबैक्स देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख सकते हैं या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में कल के क्वेश्चंस के साथ, फिर से सुबह 9 बजे क्विज अटेम्प्ट करिएगा जरूर और रात के 8 बजे ये वीडियो डिस्कशन में हम फिर से मिलते हैं। चलिए तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।